नमस्कार दोस्तों, जनता की थड़ी में आपका स्वागत है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। आइए जानते हैं क्या है ये ऐप और कैसे यह कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने में सरकार और जनता की मदद करेगा। यह एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह स्मार्टफोन में लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ के जरिए यूजर को बताता है कि वे कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे या नहीं। इसके लिए यह ऐप कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों के डेटाबेस को चेक करता है। पिछले कुछ दिनों से इस ऐप के बीटा वर्जन की टेस्टिंग की जा रही थी और रिलीज हुए स्टेबल वर्जन में बीटा वर्जन वाले लगभग सभी फंक्शन दिए गए हैं। यह ऐप डिवाइस से यूजर के डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में लेता है। एनक्रिप्शन कोड जानने के बाद यह यूजर के डेटा को सर्वर पर भेजता है। इसके बाद यूजर को पता चल जाता है कि वे किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे या नहीं। इसके लिए ऐप स्मार्टफोन का ब्लूटूथ इस्तेमाल करता है और संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के दायरे में आने पर यूजर को नोटिफाई भी करता है। अगर आपको कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है या आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो यह आपके डेटा को सरकार के साथ शेयर भी करता है। ऐप में यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और इसलिए डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप में कई और फीचर भी दिए गए हैं। इसमें दिए गए चैटबॉक्स की मदद से आप कोरोना वायरस के लक्षण को पहचान सकते हैं, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यह ऐप हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपडेट और भारत के कई राज्यों की कोरोना वायरस हेल्पलाइन की लिस्ट भी को भी देता है। इस ऐप को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जनता की थड़ी टीम इस वक्त में हर संभव तरीके से आपके साथ खड़ी है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने जान पहचान वाले सभी को इस जरूरी ऐप के बारे में बता सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कोरोना से बचने के तरीकों को जानने के लिए हमारे और वीडियोस देखें। जय हिंद।